हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। तो आज हम यहाँ पर कर रहे हैं कुर्ता की कटिंग। तो देखिए, हमने कपड़ा ले लिया है, हमने इसको डबल फोल्ड किया है पहले, तो फिर इसको हमने फोर फोल्ड किया है। तो इसको हम अपने जितना भी आपको लंबाई चौड़ाई लेनी है उस हिसाब से फोल्ड कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर ये 2.5 मीटर कपड़ा है। तो ये देखिए, हमने इसको डबल फोर फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, अब हम इस पर अपने बॉडी से नाप लेकर उसका मेजरमेंट करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसके शोल्डर लिए हैं 6 इंच, और इसके आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे। जितने हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हम आर्म होल लेते हैं। ये देखिए, हमारा बैक का निशान था, अब हम फ्रंट का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट का निशान हम अंदर की साइड 1/2 इंच लेंगे जब हम इस पर गुलाई करेंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर इसके चेस्ट का नाप लिया है 12 इंच। ये देखिए, अब हम इस पे अपने, ये हमारा कमर का नाप है और ये हमारा हिप का नाप है। तो कमर का नाप लिया हमने 14 इंच पर और हिप का नाप लिया 22 इंच पर। तो ये देखिए, कमर का नाप हमने, हमारी फिटिंग है कमर की 11 इंच और हमारे हिप की फिटिंग है 13 इंच। ये देखिए, तीनों निशानों को हम मिला लेंगे। ये देखिए, और इसमें हम 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई ली है हमने 48 इंच, 48 इंच, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हमने ये ऊपर से 1/2 इंच शोल्डर नीचे गिराते हुए इसकी कटिंग की है। ये देखिए, हमारी कुर्ता की कटिंग हो चुकी है। और ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल है। ये देखिए, हमने इसमें 1/2 इंच डाउन करके शोल्डर की कटिंग की है। अब हम दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे क्योंकि अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। आप इसकी लंबाई अपने अनुसार रख सकते हैं। ये देखिए, हम इस पर फिटिंग के पहले तो जहाँ पर हमने निशान लगाए वहाँ पर हम कट लगा लेंगे ताकि हमारे आसानी से एक जगह कट होकर के हमारी फिटिंग अच्छी आए। अब यहाँ पर हम फिट एक साइड हमारी फिटिंग लग चुकी है, अब दूसरी साइड हम फिटिंग लगाएंगे। ये देखिए, इसी से हम फिटिंग लगाएंगे, जो हमने ऊपर निशान लगाए थे उन्हीं को देखते हुए निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमारे दोनों पल्लों पर फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हम दोनों पल्लों को अलग अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने एक पल्ला ले लिया है, हम इसमें फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमने 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाया है तो हम उसको कटिंग कर देंगे। ये देखिए, हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो चुकी है। ये फ्रंट है हमारा और ये हमारा बैक है। हम इसका आर्म होल नाप लेंगे बाजू के लिए। हमारे आर्म होल की गोलाई आ रही है 9.5 इंच। ये देखिए, अब हम बाजू काटेंगे। तो बाजू के लिए पहले तो हमने डबल कपड़ा ले लिया है, फिर उसको हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, हमारे 4 पल्ले हो चुके हैं फोल्ड कर करके। हम अपनी बाजू की फिटिंग लेंगे। ये है हमारी 8 इंच और इसकी लंबाई लेंगे हमारी यह 7 इंच, आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ये देखिए, नीचे से हमने 3 इंच अंदर की साइड लिया है। ये देखिए, जैसे मैं निशान लगा रही हूँ आप ऐसे लगा लेंगे। हमने 9.5 पर निशान लगा दिया है। अब इसमें हम गुलाई देते हुए बाजू की कटिंग करेंगे। इसमें भी हम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे। वो सिर्फ फिटिंग के साइड करेंगे, आर्म होल की तरफ नहीं करेंगे।
ये देखिए हम इसमें आधा इंच सिलाई मार, मतलब अंदर की साइड आधा इंच पर निशान लगाएंगे और दो दो पल्लों में कटिंग करनी है हमें। ये दो पल्ले नीचे छोड़ते हुए ऊपर के दो पल्लों में कटिंग कर लेंगे। आप खोल कर भी कर सकते हैं। ये देखिए हम आपको खोल के दिखाएंगे। देखिए हमारी एक साइड लग जाएगी, जिधर आपने कटिंग किया उधर आप निशान लगाने आपको जाँचना पड़े तो, और बीच में एक कट लगाएंगे ताकि हार जब इसे जोड़े सही आए। अभी देखिए हम गला कटिंग करेंगे। हम पीछे के पल्ले में गला कटिंग कर रहे हैं, आप ऐसे ही अगले में करें। हमने ऊपर से 3 इंच इसका गला लिया है और लंबाई ली है इसकी 6 इंच, और नीचे से हम इसको 2.5 इंच लेंगे और इस निशान को ऊपर मिला देंगे और इसमें गुलाई देते हुए इस गले की हम कटिंग करेंगे। ऐसे ही आप फ्रंट के में कटिंग कर लें, आप चाहे डिजाइन भी बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी। इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर ए वीडियो, थैंक यू।